हेलो, कैसे हो? मैं देवता मेघवाल फ्रॉम एसर टेलीकॉम। मेरे पास एक फोन है ओप्पो का, ये चार्जिंग का प्रॉब्लम है। आओ दिखाओ, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा। देखिएगा सब लोग, चार्जिंग इसके अंदर चार्जिंग डिटेक्ट हो रही है पर फेक चार्जिंग आ रहा है। देखिए, दिखाओ जरा। देखो, आप सब लोग एम्पियर पे देख रहा, थोड़ा एम्पियर पे जूम करना, ये वाले टीवी पे जूम करना है और उसके बाद भी जूम आउट कर लेना नॉर्मल। अब देखो सब लोग, एम्पियर देखोगे तो ये 4 पे बनना चाहिए, 4 नंबर पर, ठीक है? 4 नंबर, ये 5 नंबर पे, तो 5 नंबर बनना चाहिए। तो देखो, वैसे मैंने जैसे मैंने आप देखो तो बैटरी लगा चुका हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बैटरी नहीं लगाया, केबल लगाया है, बैटरी लगाया पूरी तरीके से। और अपन जब इसको डाल रहे हैं तो देखो वो 0-0 है। इस फोन के अंदर चार्जिंग डिटेक्ट हो गई है, डिटेक्शन मतलब डेट मीन पावर गुड होके अपना ओके हो चुका है। अब परसेंटेज भी दिखाई देने लग जाएंगे, डेट मीन चार्जिंग होना भी चालू कर दिया। ये रहे, तो इसका मतलब यह है, ये बता रहा है फेक चार्जिंग। क्या बता रहा है? फेक चार्जिंग, कि वो चार्जिंग तो दिख रही है, हो भी रही है पर एम्पियर नहीं ले रहा है। हेलो, यस सर। आज अपन ने चार्जिंग आईसी को बहुत डीप लेवल में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? चलिए, यस सर। किस किस ने पढ़ा बताओ, और किस किस के बाद में पूरी स्टडी के वीडियो है, चलिए बताओ, और नोट्स के साथ। हेलो, यस सर। मुझे पेन लेके आओ, मुझे बताओ टाइप सी कनेक्टर, नॉर्मल कनेक्टर या सैमसंग का 18 पिन का कनेक्टर, बहुत इजी तरीके से बिना डायग्राम बिना बोर्ड के कौन कौन चेक कर लेगा? नीचे से सब बोर्ड से मेन बोर्ड तक आना है बोर्डनियो डायग्राम के, कौन कौन आ जाएगा चलिए बताओ। हो ना, तो अपन को अब क्या क्या चेक करना है? अपन ये है कॉलकम का, तो अगर मैं आपको कॉलकम का एक बूट सुकेंस का डायग्राम देता हूँ, पर मैं यहाँ पर थ्योरी के साथ बताना चाहता हूँ। उस बूट सुकेंस डायग्राम सब आप लोगों के लिए, ठीक है? अपन वीडियो बना रहे हैं तो अपन जितना बता सके अपन उतना बताएंगे, पर फिर भी अपन उतना बताएंगे जितना मार्केट में नहीं है। ये सेट कौन सा सीपीयू बेस है? हाँ, अपन को मॉडल से कोई लेना देना नहीं है, अपन सीपीयू बेस काम करते हैं। रिपेयर सीपीयू है कॉलकम का। सबसे पहले तो हमारा लोगो हो रहा है, लोगो आ रहा है ना मेरे पास? Yes, लोगो हो रहा है, इवन चार्जिंग भी हमारा प्रॉपर है। हेलो, यस सर। परसेंटेज दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? परसेंटेज दिखाई दे रहा है। बता दो, ये परसेंटेज से हम दो चीजें बोलेंगे बिल्कुल, जहां हमें छूना ही नहीं है क्योंकि ये परसेंटेज ग्रीन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? इसका मतलब आईडी ओके है और थर्म भी ओके है। हेलो, यस सर। अगर ये परसेंटेज रेड होता या ये परसेंटेज ही नहीं आता और लोगो ब्रिंग करता तो हम आईडी और थर्म दोनों को चेक कर सकते थे, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। पर अभी अपना आईडी और थर्म ओके, अब उनको छुएंगे नहीं, दैट मीन अपन बैटरी करेक्टर को जाएंगे ही नहीं, बैटरी करेक्टर को चेक ही नहीं करेंगे, जबरदस्ती टाइम वेस्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि अपन लॉजिक समझ रहे सेट होगा। बैटरी करेक्टर पर जाते तब जब अपन को पूरा परसेंटेज दिखाई नहीं देता, पर वो परसेंटेज घूम रहा पर वो बढ़ नहीं रहा। अब वो बढ़ नहीं रहा है तो इसका मतलब वो जा रहा है, वो इंडिकेशन कौन सी चार्जिंग में कर रहा है? फेक चार्जिंग। तो अब फेक चार्जिंग के लिए हम क्या करेंगे? तो हमने सर्किट देखा, इसके अंदर सबसे पहले हम आईसी देखेंगे, इसके अंदर आईसी कौन सी लगी हुई है, आओ देखें जरा। तो हमारा ये है A3S, यहां पर हम जाएंगे A3S ओपन करेंगे, A3S ये CPH लगा हुआ है 1853। दो A3S आए हैं दो अलग अलग मॉडल में, एक 1803 और 1853, ये 53 वाला है। ये कैसे पता चलेगा? इसके बोर्ड को डिटेक्ट करके, क्योंकि दोनों के बोर्ड में पावर आईसी अलग अलग जगह लगी है PMI, तो यही बोर्ड में PMI अलग अलग है, दूसरी बोर्ड में PMI अलग है, दोनों में PMI ही लगी है। जैसे दोनों का बोर्ड का अगर मैं दिखाऊं, देखो दोनों का बोर्ड इंटरफेस देखो, दोनों का सीपीयू एक, दोनों का सारा MMC एक, सब कुछ एक, कॉन्फ़िगरेशन एक, जितने GB का आता है इसमें। देखो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ कहीं पे भी PMIC नहीं है, इसमें PMIC यहाँ लगी है इधर, ये PM और ये PMI, दैट मीन चार्जिंग, सिंगल पावर सिंगल चार्जिंग सर्किट है, पर इसके अंदर PMIC यहाँ लगी है नीचे सिम के नीचे, और यहाँ पर आपको PMIC दी नहीं है, यहाँ पर दिया ये WCN है, ये आपका वाईफाई है, ये आपके 2GPFO है, ये नेटवर्क है, ये DRX है, ये बेसिकली आपका RFIC है, सॉरी WTR DRX ये आपका, ठीक है? तो और ये आपके छोटे छोटे ICR, बट आपका PMI यहाँ, तो हमारा बोर्ड इधर है, ये वाला बोर्ड है, हम इसको करेंगे जूम। तो हम सबसे पहले
हम देखेंगे कि कंपनी हमें बोर्नियो में क्या क्या बता रहा है। तो हम इसी के BPH इसी के हम इसमें जाएंगे और देखेंगे। पहले हम अगर ये खोलते और इसका चार्जिंग डाटा खोलते तो हमें कितना हमें मिल जाता कि ये फोन बन जाता, पहले तो हम ये पता करें। क्योंकि देखो ये बताना जरूरी है, क्योंकि जो लोग अभी यूट्यूब में दुकानदार बड़े चौड़ा बन के ये बता दे रहे हैं कि दोस्तों वीडियो देख लो उससे सीख जाओगे, हाँ क्योंकि वो भी क्या करे, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो दूसरे इंस्टीट्यूट में जा जाके लुट रहे हैं, क्योंकि दूसरे इंस्टीट्यूट में जा क्या हो रहा है, टीचर एक आ रहा है सुबह से रात तक बस PPT में गोला बना रहा है, प्रैक्टिकल का कोई नामो निशान नहीं है। हेलो यस सर, इतना आज 10:30 से 4 बज गए नॉन स्टॉप बिना खाए पिए, जिसमें से हमने कईयों ने पानी नहीं पिया होगा, उसके बाद भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, फिर भी इसके बाद खाना खा के वो भी 15 मिनट का, ये भी नहीं कि 1 घंटे का खाना, फिर आप वापस प्रैक्टिकल में आओगे। हेलो yes, वो प्रैक्टिकल करने के बाद भी वो भी 10-11 बजे तक जो होगा उसके बाद भी समय मिलेगा तो CPU करोगे, समझ आए मेरे? yes, ये मौका सबको मिलता है क्या? नहीं yes, इसे भी ऐसा टेलीकॉम में मौका मिलता है तो ये फॉर्चुनेट वाली बात है ना भाई। हेलो yes, कौन कौन को लगता है कि मैं फॉर्चुनेट हूँ, भाग्यशाली हूँ जो यहाँ आया? yes, बताइए yes, पैसा वसूल किस किस को लगता है ऐसा टेलीकॉम पैसा वसूल? तो अरे हाँ कांच रुक घुस गया। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे, बोर्नियो हमें क्या क्या बता रहा है, तो बोर्नियो से हम बताएंगे क्योंकि हम वो दुकान बता तो दें। आप जो कह रहे हो कि यूट्यूब से सीख लो, लो यूट्यूब लो बोर्नियो, मैं बोर्नियो अच्छा है, आई एम नॉट टेलिंग यू बोर्नियो द वर्ल्ड क्लास स्कीमेटिक, उसके ऊपर कोई भी नहीं है, लेना भी नहीं तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। DPDM बिल्कुल देखा जा सकता है कि ये हमारा फेक चार्जिंग के लिए आ सकता है, पर DPDM में होला हालांकि होता क्या है कि DPDM में कुछ आपको रीडिंग मिलती है 0.20, 0.10। हेलो हाँ ये तब आप जब आप बहुत बार काम करोगे 0, और ये रीडिंग कहां तक जाती है 60 तक, तो यहाँ तो हमारे को रीडिंग मिली नहीं रही ना भाई मेरे। हेलो हम DPDM पर भी जाएंगे नहीं, USB तो 5 वोल्ट है तो USB पर जाएंगे क्यों? USB पे वो भी नहीं चेक करेंगे, VBUS भी नहीं चेक करेंगे। देखो क्यों, क्योंकि लॉजिक ये बोल रहा है कि जैसे हमने चार्जर लगाया लोगो दिखाई दिया और चार्जिंग होने लग गया, और ये तभी आता है जब VBUS डिटेक्ट करे। हेलो yes, जब VBUS बोलो, जब VBUS BPH बनाए कोई तो ये लोगो आएगा ना भाई। हेलो तो BPH VBUS से बन रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें VBUS और OBP IC का भी कोई गेम नहीं है, कि ऐसा नहीं कि IC उठाएंगे जम्पर मारेंगे, ये OBP IC का भी गेम नहीं है कहने का। तो फिर क्या बचा, फिर बचा थर्म को तो चेक करने ही नहीं है क्योंकि परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं, ID को चेक करने नहीं है परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं। सो भाई बोर्नियो खत्म हो चुका है, कहने का मतलब है आपका स्कीमेटिक आपको बता रहा है सेट वापस कर दो, क्योंकि आप तो दुकान में बैठे हो और आपसे दुकान छूटी नहीं जा रही है, क्योंकि बड़े बड़ी कंपनी के CEO 6-6 महीने के बाद अपने आप को फॉरन जाते हैं, इंडिया के ऐसी जगह जाते हैं जहाँ अपडेट होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि मैं आज कंपनी तो चला रहा हूँ, कल मैं कल की टेक्नोलॉजी में कंपनी नहीं चला पाऊंगा, और आज मैं ये सोचूंगा कि कंपनी आज खोलू नहीं खोलू तो कल तो बंद होनी है, वो तो टेंशन मत लो। तो जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि मैं दुकान नहीं छोड़ पा रहा, उनकी दुकान एक दिन बंद हो ही जाएगी, क्योंकि जब वो मार्केट से आउट हो जाएंगे तब उनके पास केवल बचेगा फोल्डर का काम और एसेसरीज का काम, वो रिपेयरिंग से आउट हो जाएंगे, और जो रिपेयरिंग करेगा वो कल को टीचर बनेगा, और वो टीचर बन के अपनी पूरी स्किल को पूरे घर को चेंज कर देगा, वो हालात चेंज कर देगा पूरे। वो जो कहने की बात है, जो कभी 50,000 कमाया जिसने दुकान से 1 लाख कमाया, वो सडनली लाखों रुपए में कमाई चालू कर देगा, और ज्यादा हुआ तो मूवी लाइफ में कोट खड़े पहनकर वहां खड़े होकर टीचर बन के और लोगों को एडवाइस भी देगा, और जैसा हो चुका है इस बार। हेलो ठीक है, अब हम जाएंगे आगे। तो यहाँ हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो हमें हमारा फेक चार्जिंग सर्किट देखना है, तो हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं, हम फेक चार्जिंग सर्किट देख सकते हैं। अब इसमें अगर हम देखें स्कीमेटिक भी नहीं है, आप देखो नो डायग्राम, जबकि ऊपर वाले में स्कीमेटिक है पर नीचे वाले में स्कीमेटिक ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा आई डायग्नोस कर सकते हैं, तो कहने का मतलब क्या क्या आओ अपन ऊपरी ऊपर चेक करें। तो सबसे पहले तो आई डायग्नोस कर चेक कर लेते हैं कोई कॉम्पोनेंट निकला तो नहीं है पहले, तो पहले नंबर पे हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, मतलब फाइंड करते हैं, फाइंड एंड लुक ऑन कॉम्पोनेंट। तो हम देख लेते हैं कॉम्पोनेंट पर कि कॉम्पोनेंट कोई निकला तो नहीं है, फाइंड एंड लुक एंड कॉम्पोनेंट, कोई डैमेज तो नहीं है, ये हमें देख रहा है डैमेज के लिए।
ये हमें देखना है ये वाटर डैमेज के लिए, या ट्रैक कोई ब्रोकन तो नहीं है, या आईसी कोई ब्रोक तो नहीं है आईसी, ये तीन चीजों के लिए हम देख लेते हैं। अगर जो चीज मिलता है तो पहले हम उसी को रिपेयर करेंगे, कहने का मतलब, फिर अगर कुछ नहीं हुआ तब हम जाएंगे उसकी आईसी पर, और उसकी आईसी है पीएमआई। अब यहाँ पर पीएमआई लगी है 632, तो हम क्या करते हैं पीएमआई 632 को पहले खोलते हैं और उसको पढ़ते हैं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप लोगों को समझ में आए। तो उसके लिए मैं ये वाला खोलना चाहूंगा, इसका स्कीमेटिक ले लेते हैं। ये हमारा दूसरे बोर्ड का स्कीमेटिक है, इस बोर्ड का स्कीमेटिक नहीं है। देखिए तो हम पीएमआई 632 को पढ़ते हैं। पीएमआई 632 पीएमआई 8952 का अपग्रेड वर्जन है, जो 8952 से भी छोटी आईसी है। तो ये छोटा आईसी है, कोई ज्यादा इसमें कुछ है नहीं है। तो हम यहाँ पर लेआउट ले लिए, स्कीमेटिक ले लिए। देखो अब हम पीएमआई को पढ़ते हैं कि पीएमआई को हम क्या क्या चेक कर लें, जो हम उस बोर्ड में चेक कर लेंगे, कौन कौन से कॉम्पोनेंट से हमारे को ये पता चल जाएगा कि पीएमआई ओके है। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों को मर्ज करेंगे। देखो ये हमने मर्ज कर दिया, ये देखो। अगर मैं सिर्फ एक फोटो से भी पीएमआई को बना सकता हूं, अगर मेरे पास ये फोटो है तो ये देखो ये पूरा फोटो पीएमआई का है। सब लोग ये फोटो ले लो चाहते, ठीक है, फिर वो दे नहीं पाता हूं ये सारे बाद में, तो आपने उससे निकाल ही लेना अपने ग्रुप से। ये पीएमआई 632 का फोटो है। अगर मैं आपको सिर्फ इस फोटो से थोड़ा मोटा मोटा बताऊं तो हमें क्या क्या चेक करना है, चलो इस पर भी बाद में आते हैं। पहले अपन फोटो में जाने से पहले डायग्राम पढ़ लेते हैं। आपने डायग्राम खोला हुआ है, फिर अपन फोटो पे जाएंगे। नहीं खींच पाए, देखिए तो ये हमारे पीएमआई इधर है, इस साइड के अंदर जाएंगे ये। अब इस आईसी के अंदर अब अपना चार्जिंग का सर्किट देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बीवर्स चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेट लोगो पे जा रहा है। एमआईडी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बीवर्स नहीं बनता, एमआईडी नहीं बनता, तो बीवर्स ही नहीं बनता, ठीक है। और क्या क्या नहीं चेक करना है, अगर हम बात करें, हमें स्विचिंग चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्जिंग लगाकर सेट लोगो पर आ रहा है। बीपीएस चेक करने की जरूरत नहीं है, चार्जिंग आउट चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज भी पूरा बन रहा है। हाँ, बट परसेंटेज एम्पियर के साथ भी बन रहा है, तो ये चार्जिंग का कोई सीन नहीं है, चार्जिंग एम्पियर सेंस है। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे बूट कैप, चेक करेंगे क्या चेक करेंगे बताओ, बूट कैप जिस से फेल चार्जिंग आएगी, बोलो जिस से फेल चार्जिंग आएगी। हाँ, तो ये बूट कैप चेक करेंगे, जो कौन से नंबर के पैड पे है, 105। हेलो यस सर। अब हम क्या करेंगे, कॉपी दो जरा अपनी, कोई एक दो एक जन दे दो, लाओ पेन दे दो, बदे दो दे दो, मुझे सिर्फ एक चीज बताना है। देखो कोई भी टेक्नीशियन खाली आईसी निकाल के लगाएगा ना, तो एक दिन दुकान बंद हो ही जाएगी, फिर या तो वो वही काम करेगा। और जो टेक्नीशियन एक कॉपी रखकर और एक पेन रखकर आईसी निकालेगा लगाएगा, वो टेक्नीशियन वहाँ दो लड़कों को पढ़ाना चालू करेगा, दो से चार, चार से छः, और उसके बाद में फिर अमेरिका के लोगों को बुला के पढ़ाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने अब अपना एक बनाया पीएमआई 632, और ये हमारा पैड है 105। अब 105 नंबर का पैड हमारा बूट हो गया। तो ये थोड़ा थोड़ा छोटा नॉलेज ये दिमाग में लिखते जाना है, क्योंकि ये अभी स्टेबल हो गया है, परमानेंट मेमोरी। और ज्यादा है तो यहाँ पूरी पीएमआईसी बना दो पूरी गोलों के साथ, और उसके साथ फिर एक एक पेज पर चुपका दो, जहां चुपकाना है आपने एक फोल्डर में रखो, कि एक पेज आपको जिंदगी भर काम में आएगा। एक घंटा लगेगा और वो एक घंटा बहुत टाइम भर काम में आएगा। अब 105 हम चेक करेंगे, और क्या क्या चेक कर सकते हैं, तो यूएसबी हमें चेक करना है, डीपीडीएम हम चेक नहीं करना, क्योंकि भाई बिल्कुल जीरो बूटिंग नहीं है, मतलब जीरो बूटिंग है, कुछ भी एम्पियर नहीं आ रहा है। और हमें क्या चेक करना है, चार्जिंग इनेबल, इससे इस ये हमें चेक करना है, ये चार्जिंग इनेबल, अगर ये वाला रजिस्टर निकल जाएगा, हेलो यस सर, तो भी हमारा कौन सा सर्किट आ जाएगा, ये भी हमें चेक करना है। तो ये रजिस्टर है 102 पर, ये भी दिमाग में रखना। बताओ सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, चलिए बताओ, बूट कैप, बूट कैप, बूट कैप सही हुआ तो फिर हम क्या चेक करेंगे, चार्जिंग इनेबल। अब उसके बाद बोलो, अब उसके बाद फेक चार्जिंग के लिए, पीएमआई उतारेंगे, और सारी सेंस लाइनों पर क्या चेक करेंगे, वोल्टेज। ये तो चेक करना नहीं है, क्योंकि हमारा परसेंटेज दिखाई दे रहा है, तो ये माइनस की है, तो ये देखेंगे ये वीबैट की कौन से प्लस में जा रही है, माइनस में, इस तरह से। तो मे बी ये चार चार, ये चार और ये माइनस, इस तरह। तो ये चार चार ही ग्राउंड, तो ये हम चेक करेंगे कि हमारा फेक चार्जिंग के लिए। फिर उसके बाद में अगर फेक चार्जिंग फिर भी रहा, तो हम चेक करेंगे हमारा 122-12 नंबर का पैड, ग्राउंड रेफरेंस चार्जिंग, जो कि ग्राउंड होना चाहिए, नहीं हुआ तो भी फेक चार्ज बनेगा, ये भी हम चेक करेंगे। फिर हम चेक करेंगे ये दो कैपेसिटर, बहुत ईमानदारी से यहाँ पर उन्होंने सही तरीके से नाम नहीं लिखे हैं,
फ्यूल गेज वन फ्यूल गेज टू बताया है, जबकि इसमें यहां पर वी ए वी वी आर वी वी ए आर वी और वी ए ए कैप ये होना चाहिए। तो ये दो कैपेसिटर, इन दो कैपेसिटर पे खास तौर पे ध्यान दो। देखो ग्राउंड फ्यूल गेज ये कैप यहां पर लाइन दी है, तो ये अगर 110 नंबर पे हम चेक कर लेंगे ग्राउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैपेसिटर पे ग्राउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिस्टम ऑन वीडीडी कैप, ये सिस्टम ऑन एक वीडीडी कैप पर जा रहा है, ये सिस्टम ऑन वीडीडी कैप से होते हुए वापस ये चार्जिंग इनेबल पे रिटर्न मार रहा है, ये देखिए वीडीडी कैप यहां पर है। तो उसके अलावा हम चेक करेंगे यहां पर और कुछ बचा है क्या, कुछ भी नहीं बचा है। एमआईडी चेक करना नहीं है, चार्जिंग है, फ्लैश एलईडी चेक नहीं करना, बूट कैप चेक करना है और चार्जिंग की स्विचिंग चेक करना नहीं है यहां पर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा है नहीं है फेक चार्जिंग के लिए। फिर हम यहां पर चेक करेंगे पावर गुड सिस्टम उठ के, ये चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फोन अभी पावर गुड में नहीं है, पावर गुड से फेक चार्जिंग नहीं आती है। बुआ नहीं, बुआ को नहीं चेक करेंगे, बुआ वैसे ही चिड़चिड़ी हो चुकी है। हेलो यस सर, बुआ चिड़चिड़ी हो चुकी है, उसको चेक नहीं करेंगे, सारे घरों की बुआ ऐसे ही है। और ऊपर से आईडी आईडी यानी आर बायस आपका थर्म की लाइन का है, विद रेफरेंस बैक कैपेसिटर ये नहीं चेक करेंगे क्योंकि हमारा टेम्परेचर का एरर नहीं आ रहा। और फ्यूल गेज मतलब ले देखे हमारे को फेक चार्जिंग के लिए क्या क्या मिला। अब मैं फिर से डिटेलिंग कर रहा हूँ, फेक चार्जिंग के लिए क्या क्या मिला जल्दी बताओ। बूट कैप, बूट कैप। दूसरा नंबर पे हमें चार्जिंग डाटा, चार्जिंग के लिए क्या क्या मिला, अगर चार्जिंग की है बोलो, और सेंस लाइनें, और सेंस लाइनें। आ जाओ इधर, तो मैंने बोला किसी भी सेट को हमेशा बनाने से पहले आई डायग्राम्स करना बहुत जरूरी है। लुक आउट, लुक ऑन योर बोर्ड। बैटरी को हम नहीं छुएंगे क्योंकि हम जबरदस्ती अगर बैटरी को भी चेक कर रहे हैं तो क्या ही मतलब है फिर। अगर सर्किट का बैटरी तब हम चेक करते हैं जब हमारा परसेंटेज नहीं आता। तो यहाँ पर हमारा आईसी लगा हुआ है, अब यहाँ पर सीधी सी बात है, तो ये बोर्ड पहले डेड था, इसको फ्लैश करके ऑन किया है, अब इसमें चार्जिंग का एरर है, पत्रा निकाला गया है, पत्रा खींच के निकाला गया है, इसलिए यहाँ से ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर पत्रा अगर इससे निकाला जाता है एसएमडी से तो ये पूरा प्रॉपर दिखाई देता। तो आप नोटिस करो यहाँ पर ये कुछ कॉम्पोनेंट आपको यहाँ पर ओखरे मिल रहे हैं, तो जैसे कितने कॉम्पोनेंट है पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। और ये आईसी आपकी हो रही, तो ये पीएम आईसी आपकी लगी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ये जनरली ज्यादातर ऐसा काम उन टेक्नीशियन से होता है जिनको कोई काम नहीं आता, जो खाली सीसी वीसी चेंज करते हैं और वो फोन का वीडियो देखकर बोर्ड पर काम करना चालू कर देते हैं, तो वो टेक्नीशियन ज्यादातर अच्छे बोर्डों पर भी अम्मादागी कर लेते हैं, अम्मादागी मतलब पूरी खत्म कर देते हैं। तो ध्यान दो, पहले तो ये कैपेसिटर निकला है, तो ये कैपेसिटर थोड़ा एनसी, क्योंकि एनसी कैपेसिटर नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये कैपेसिटर देखो ये थोड़ा सा निकला हुआ है, ये एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, यहाँ एक एलडीओ नहीं है तो ये एनसी है, ये एक निकला है, ये एक निकला है, और हम देखें तो और कहीं पर नहीं निकला है। और हम ये भी देखें, अब ये देखो, देखो सबसे पहले ध्यान देना है, अगर पत्रा निकालते समय बोलो फोन डेड हो जाए और कोई आईसी टूटे ना, एक टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको वीडियो के अंदर, आपने करना है डायोड मोड पे, कौन से मोड पे बताओ, पहले अपन वो कर लेते हैं फिर अपन देखते हैं कंपोनेंट का क्या सीन है। तो देखो जितने भी जो पतले साइड वाले कैपेसिटर है कंपोनेंट है सबका जीआर लो, जीआर का मतलब ये कैपेसिटर कैसा होगा, एक साइड से ग्राउंड और एक साइड से जीआर, हेलो यस सर। अगर सीरीज में वो भी हुआ तो दोनों साइड से क्या आना चाहिए, जीआर, पर ओएल नहीं आना चाहिए, हेलो यस सर। तो जो कंपोनेंट एक साइड से अगर ओएल दे रहे देख रहे हैं तो उसी का मतलब वो पत्रा निकालते समय वो लाइन क्या हो गई है, तो वो ज्यादातर ग्राउंड के साथ वाली लाइनों के साथ होता है। तो देखो ग्राउंड आ गया 00, ये कैपेसिटर में देखेंगे तो ग्राउंड आ रहा है, मतलब इसका लाइन भी बना हुआ है, ये ग्राउंड आ रहा है, इसका भी लाइन बना हुआ है, ये ग्राउंड आ रहा है, इसका भी लाइन बना हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डायोड के साथ में ये वाला डायोड चेक कर लेते हैं, ये रजिस्टर चेक कर लेते हैं, डायोड के साथ क्या हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है डायोड दोनों, तो ये ग्राउंड हो रहा है, इधर से नहीं होना चाहिए, हो गया, ओपन ओके है, ये भी ओके है, और ये आखिरी के पैड चेक करना है, देखो ये कैसा आ रहा है, ग्राउंड आ रहा है, हाँ एनसी नहीं आना चाहिए क्योंकि ये ट्रैक कट जाएगी ना तो ओपन हो जाएगा,
ये रजिस्टर देख लिया, ये आपका ये जी आर आना चाहिए। अब इधर देखें, अब इधर से आपका ये देखो ये कैपेसिटर है या कॉयल है, कुछ भी हो सकता है, रजिस्टर भी हो सकता है, लेकिन ग्राउंड आ रहा मतलब कैपेसिटर ही होगा। और इसके साथ में ये, तो यहाँ पर आप देखो तो ये ग्राउंड आ रहा है, ठीक है, और ये वाला देखो तो यहाँ पे जी आर आ रहा है और यहाँ पे जी आर आ रहा है, मतलब ये एक पैड निकला है जिसपे दो तरफ लाइन जा रही है। तो ये पुल अप रजिस्टर भी हो सकता है और एक सीरीज कैपेसिटर भी हो सकता है। और तो यहाँ पे बाकी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम इस, तो आई डायग्नोस हो गया, अब हम इस बोर्ड को चार्जर में लगाएंगे। एंटी सर जी सर, इसका वो निकालो, बैटरी निकाल के कुछ, इसका बैटरी निकालेंगे, चार्जर में लगाएंगे। अब सबसे पहले अपन इसका बूट कैप्स धुरेंगे। देखो यहां से तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो ऐसा धुना है कि वहां पर उठाए कैपेसिटर लगा दिए, तो कैसे हम अंदाजा मार सकते हैं। तो हमने बूट कैप्स का पैड नंबर क्या निकाला था, 105 लिखा भी था किसी, 105। देखो तो हम यहां पर जाएंगे ओप्पो में, ओप्पो में जाएंगे A3S, अगर बिट मैप हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पावर आईसी निकाल कर हमें करना पड़ेगा। ये A37 नहीं A3S, कहाँ भैया A3S बताओ, ये इसके अंदर बिट मैप पर जाएंगे और वैल्यू, और वैल्यू का मतलब आपको पहले बता चुका हूँ। हेलो यस सर, क्या है वैल्यू का मतलब, रीडिंग प्लस मतलब इसमें GR भी है, क्या है GR भी है। देखो इसका नोज कट पॉइंट देखेंगे, इस स्टील टूटा डाटा लेंगे। तो अब हम यहां पर जाएंगे बूट बिट मैप पार्ट फाइंडर पर जाएंगे, अब लिखेंगे PMI632, एंटर मारेंगे। अब Redmi 7A खुल लेंगे, तो Redmi 7A, तो ये Redmi 7A इधर है, इसका डायग्राम खुलेंगे और इस पर PMI पर जाएंगे और देखेंगे कि बूट कैप्स का क्या रीडिंग है, पैड है। तो वहां पर PMI 895040 लगी है, 52 लगी है। तो अब देखो ये खुल गया, ये इसका PMIC है 21101, यहाँ पर जाएंगे एंटर मारेंगे, ये आ गया हमारा। सबसे पहले इसका IC का नंबर पढ़ेंगे, अभी आ रहा है 632। अब इसके अंदर बूट का देखेंगे तो बूट नंबर कौन से पे आ रहा है, 40, मतलब हमारा वो सही है। हेलो यस सर, क्लियर है ना भाई मेरे, यस सर, किसको क्लियर है ये चीज कि ये तो बात नहीं है, 40 है। तो अब यहाँ पर मतलब हमारा बूट कैप लगा है, तो बूट कैप उखड़ गया है इसका, सिंपल सी बात है। और अब इसके बूट कैप्स की रीडिंग लेंगे, तो बूट कैप्स पर तभी कैपेसिटर लगाना है जब दोनों पे GR आए, अगर दोनों पे GR नहीं आ रहा है तो IC के अंदर से ट्रैक बनाना पड़ेगा। दूसरा ट्रैक तो आप यहाँ से सीधे जम्पर मार सकते हैं, IC तक ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्विचिंग तक कनेक्ट होता है। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये स्विचिंग में कनेक्ट हो रहा है, मतलब ये स्विचिंग का पैड है और ये 8 वोल्ट वाला पैड है, तो यहाँ पर GR आ रहा है।
इसका मतलब हम यहाँ पर हम एक कैपेसिटर लगा देंगे और उसके बगल में कौन सा कैपेसिटर निकला हुआ है वो भी हम चेक करते हैं। तो उसके बगल में एक कैपेसिटर और निकला हुआ है जो सी के जस्ट बगल में, तो वो है बी बैंड का कैपेसिटर। और उसके बाद एक कैपेसिटर और निकला हुआ है ये वाला, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये वाला कैपेसिटर है, ये है एलसीडी 1.8 का कैपेसिटर जो वोल्टेज वीआईओ की लाइन पर है, तो पैरेलल है इसलिए कोई सीन नहीं है। तो अभी अपन को इस पे काम करना है, तो इसका कैपेसिटर लगाते हैं। चलिए, ये बूट कैपेसिटर है इसलिए इसका रीडिंग 0.0 आ रहा है, बॉडी डिटेक्शन कर रहा है। ये आईसी को पूरा काम करने देगा, सिर्फ एम्पियर को फेस कर देगा। अब मतलब एम्पियर लेने नहीं देगा, ये कैपेसिटर ले लिया। अब हमें इतने साइज का ही कैपेसिटर चाहिए, तो ये कैपेसिटर हम निकाल लेंगे इधर से, इस मोबाइल से निकाल लेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से इस मोबाइल में ये कैपेसिटर कम साइज का लगा है। इसका बोर्ड डोजर है ये, तो ये छोटा सा, बड़ा साइज तो लगेगा नहीं यहाँ पर। तो ये कैपेसिटर यहाँ से ये वाला साइज लग जाएगा, तो ये कैपेसिटर निकालते हैं। तो जय दोस्तों, एक बार टूजर लाओ थोड़ा पता। ये तो और छोटा है, एंटी सर्किट है। ये टूजर से ना कॉम्पोनेंट हिलेंगे आजू बाजू से। ये देखो, बोला था ना कंप्यूटर ले लेंगे, क्योंकि वैसे ही इतना मोटा है। फैन नहीं रहा है, तो फैन लेंगे। इसका आरपीएम बहुत कम है, ये फैन नहीं परचेस करना, ये फेलियर फैन है। अब ये परचेस तुम बोलोगे सर आपने क्यों कर लिया, तो हम लोगों को हर चीज परचेस करते हैं, आप भी करोगे क्या? तो ये मार्केट में सबसे पहले आया था 2UUL का। अब इसके बाद में जो सबसे सही फैन आया वो आया MC18। उसका आरपीएम इतना तेज है कि वो बाहर तक सुनाई देता है और ऐसा चलता मोटर उसका। तो देखिए, कैपेसिटर के ऊपर से रीडिंग ले लेंगे एक बार, कैपेसिटर के ऊपर रीडिंग आना चाहिए। अब बोर्ड को लगा के चेक करेंगे, देखें। तो एम्पियर दिखाओ, एम्पियर मीटर दिखाओ। तो पहले हमें एम्पियर 0 आ रहा था,
अब देखो एम्पियर आ गया हमारे को हेलो अब देखो 1 एम्पियर के ऊपर है चार्जिंग देखेंगे कितना एम्पियर जा रहा है अपने जीवन का लक्ष्य बना लो अच्छा काम करना है अपने जीवन का लक्ष्य बना लो कि यार सही जगह जाना है अपने जीवन का लक्ष्य बना लो आईफोन चलाते हो ना बड़ा महंगा मोबाइल वीवो का भी मोबाइल है तो भी 50-60 हजार का तो फिर इंस्टीट्यूट क्यों 10-20 हजार का एजुकेशन क्यों इतनी लो ये एशिया टेलीकॉम बोलता है कि चौथे दिन सीपीयू है ना सीपीयू तो किसके कौन कौन लगा के बैठा है यहाँ सभी लगा के बैठे तो हाँ दोस्तों अगर आपका टीचर आपसे बात नहीं कर रहा है आपका संदेश का जवाब नहीं दे रहा है तो मुझे लगता है ये संदेश आपको सुनना चाहिए क्योंकि दोस्तों एक इंस्टीट्यूट चलाना एक अलग बात है बट अपने साथ लोगों को सपोर्ट करना एक अलग बात है और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं संदेश सुनिए ये आप लोगों के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूं अनुज मैं एशिया टेलीकॉम का स्टूडेंट हूं 28 दिसंबर बैच 2022 का मुझे लगभग 2 साल होने वाले हैं मैं अपनी पर्सनल लैब में हूं अभी और अभी रात का समय जो हुआ है वो समथिंग हो चुका है 3:20 जो कि मैं अपनी लैब में बैठा हूं मेरा सर्टिफिकेट है ये मेरा सर्टिफिकेट है 28 दिसंबर बैच सबसे पहले मैं अपनी आप लैब दिखाता हूं मैं अपना पूरा लैब दिखाता हूं ये देखिए ये मेरा पूरा लैब है ये मेरा छोटा सा सेटअप लगा रखा है मैंने आज हमारे पास है Redmi का Note 7 Pro जो कि एक अजीब प्रॉब्लम है इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ ये सेट को क्या है कि जब भी रिस्टार्ट करते हैं तो वो 30 सेकंड के समथिंग इसमें नेटवर्क आएंगे सब कुछ होगा और 30 सेकंड बाद ये नो सर्विस में चला जाएगा सेट तो देखिए मैं इसको चेक करवाता हूँ आपको देखिए अभी इसमें सिम भी नहीं आ रहा है और नेटवर्क भी नहीं आ रहा है ये नो सर्विस पे आया जियो पे आ गया और अभी ये नेटवर्क चला जाएगा इसमें वोल्टी भी आ गया और अभी देखो इसमें एक एरर आएगा थोड़ी ही देर में इतनी पुअर जहां बच्चे पढ़ा रहे हैं तो यार एक बार सीनियर से पढ़ो एक बार उन टेक्नीशियन से उन टीचरों से पढ़ो जिन्होंने इनको पढ़ाया है तो आज मौका दे रहा हूं मैं इधर टेलीकॉम का 28 अक्टूबर की स्पेशल बैच सीपीयू कंपटीशन खेलेंगे माइक्रोस्कोप जीतेंगे 5G का एंड्रॉइड अपडेटेड कोर्स लेके जाएंगे आईफोन का 6 से लेकर 14 प्रो मैक्स का कोर्स लेके जाएंगे प्लस सारे टीचरों का नंबर लेकर जाएंगे यहाँ हम टीचर ऐसे नहीं है बहुत प्रीमियम हम कोई बड़ा घुमावा की औलाद नहीं है हम आपके साथ बात करेंगे और 2030 में भी आपको फ्री में अपडेट देंगे हर 3 महीने के बाद हर महीने 2 दिन की अपडेटेड क्लासेस फ्री रहेंगी इसे टेलीकॉम में आने का आपका रास्ता खुला रहेगा आप एसर टेलीकॉम के अपने नाना नानी का घर समझ लेना ध्यान देना एसर टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल आज किसी ने दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7007311192 क्योंकि मेरे पास है 10 साल का सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्निक तीसरा दिन है कौन सा दिन है तीसरा दिन है और मेरे साथ स्टूडेंट सारे लाइव है और उनके हाथों में कुछ है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके हाथ में क्या है भाई मदरबोर्ड है सबके पास आन मदरबोर्ड है क्या करने वाले हैं आप लाइव फोन से पावर आईसी तीसरा दिन मतलब पावर किस किसने डन किया पावर डन सबने तो भाई 10:30 बज रही है और हम क्या करके उठे हैं अभी सीपीयू माउंट रिबाउंड किस किसने करा है सबने किया है तो चलिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ मेरा नाम है वापन खांडेकर और मैं इधर 28 जून के बैच को ज्वाइन किया था तो आज मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है कि मैं इधर एंड्रॉइड का कोर्स करने आया था मेरे को आईफोन का कोर्स भी एशिया टेलीकॉम की तरफ से गिफ्ट में मिला है तो एशिया टेलीकॉम को मेरी तरफ से धन्यवाद और देव सर को भी मेरी तरफ से धन्यवाद थैंक यू तो मैं चलो मैं एक चीज इंस्टीट्यूट की तरफ से एशिया टेलीकॉम की तरफ से आईफोन मास्टर सर्किट कोर्स और 5G अपग्रेड भी हमें गिफ्ट में दिया गया जी जो गिफ्ट मिला है हमें एशिया टेलीकॉम की तरफ से एंड्रॉइड और आईफोन का जो लर्निंग ऐप है जो हमें आने वाले वक्त में इसके लिए सिखाएगा तो ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एशिया टेलीकॉम का और MD सर का और देव सर का चलिए ठीक है
मेरा नाम सावन जामे, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके, मेरे हाथ जैसे आप देख रहे हो ये आईफोन का गिफ्ट है, जो आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिला मेरे को। मैं करने एंड्रॉइड आया था, एंड्रॉइड का आया था और मेरे को आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिल गया, अभी साथ में 5G सर्किट के साथ। देख रहे हो कि इसमें आईफोन प्लस 5G का कोर्स है, जो कि हमने पहले दिन आया था तो एंड्रॉइड सीख नहीं आए थे, लेकिन यहाँ मेरे आईफोन का कोर्स है वो भी गिफ्ट है सर। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ एशिया टेलीकॉम और थैंक यू करना चाहता हूँ देव सर। एक प्रश्न से, ओके, हम इधर एंड्रॉइड का सीखने आए थे सब मोबाइल रिपेयरिंग, और देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने हमें उसके साथ आईफोन का भी कोर्स गिफ्ट दिया है। ओके, सर मैं यहाँ एंड्रॉइड का कोर्स सीखने आया था, देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने इधर मुझे आईफोन 5G का कोर्स गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं एशिया टेलीकॉम और देव सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं गिफ्ट मिला है मुझे आईफोन का कोर्स मिलने के लिए, और थैंक यू सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, MD सर का बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद, क्लिपिंग हो जाए सर के लिए, बहुत शुक्रिया। दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे IC लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए, और ना ही YouTube में सल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए, हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे, हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है, हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास, यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है, यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है, हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास, यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है, यहाँ बेसिक से। हाँ दोस्तों, मैं देवदत्त अग्रवाल, एशिया टेलीकॉम को फाउंडर। अगर आपको पढ़ना है एक ऐसी मोबाइल रिपेयरिंग एक गुरुकुल से, जहाँ पे डिसिप्लिन हो, जहाँ पे आपको गारंटी मिले, जहाँ पे आप 30 से 14 दिन में आपने CPU EMMC पावर सब लगाकर बैठ गए हो, ताकि उसके बाद थ्योरी का मजा आए और थ्योरी के साथ भी आप डेली CPU लगाएं, ताकि आपको आपका हैंड स्किल बना रहे, क्योंकि हैंड स्किल नहीं होगा तो CPU का पैड जान के भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। और जहाँ पे आपको डीप लेवल की थ्योरी मिले, जहाँ पे आपको वो सर्किट वो सोल्यूशन मिले जो आपको मार्केट में भी नहीं है, और सॉफ्टवेयर बेसिक सॉफ्टवेयर से आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का ज्ञान मिले, और उसके अलावा मिले आपको EMMC जिसमें UFI पढ़ाया जाए, और JTAG जिसमें आपको लेटेस्ट जो IC है, जो CPU चेंजेस सब कुछ, आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं एशिया टेलीकॉम। अगर आपको CPU मास्टर बनना है तो ज्वाइन करो मेरी इस महीने की 28 तारीख की क्लास, 25 तारीख तक आपको पहुंचना है यहाँ पर, तो आज ही कॉल करो, ये मौका ना चूकने दो। और दोस्तों, अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7000737192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्निक